जैन साथियों, चलिए आज 2024 से संबंधित आपका कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर का प्रश्न को हल करते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ये सभी प्रश्न आपका 2024 से ही संबंधित है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम, सेकेंड है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, थर्ड है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख। क्वेश्चन कह रहा है उपयुक्त में से किस में हिम तेंदुआ के प्रमुख स्थल है, यानी कह रहा है किस राष्ट्रीय उद्यान में हिम तेंदुआ के प्रमुख स्थल है। तो देखिए कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम, इसमें भी हिम तेंदुआ पाए जाते हैं, और गंगोत्री में भी पाए जाते हैं, और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान इसमें भी हिम तेंदुआ पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी तीनों सही है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सभी तीन, यानी सभी तीन आपका सही है, यानी 1, 2, 3 तीनों आपका सही है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यह क्वेश्चन का कहेगा कि करेंट अफेयर का क्वेश्चन कैसे हुआ, तो ध्यान रखिएगा कि हाल ही में किर्गिस्तान ने, ठीक है, हाल ही में किर्गिस्तान ने अपने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है आपका हिम तेंदुआ को, ठीक है। किर्गिस्तान ने हाल ही में अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में हिम तेंदुआ को घोषित किया है, इसलिए आपका ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका यानी करंट से रिलेटेड हो जाता है कि भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में हिम तेंदुआ पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान में हिम तेंदुआ पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का सेकेंड है, क्वेश्चन का आपका एक चीज़ बता दें आपको कि आज के क्लास में होगा जो भी करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा ये थोड़ा सा यानी टफ लेवल का क्वेश्चन रहेगा जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का सेकेंड है, क्वेश्चन कह रहा है भारत मालदीव संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी भारत और मालदीव के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है कि एक्वेरिन दोस्ती एकता ऑपरेशन शील्ड दोनों देशों के बीच कुछ संयुक्त अभ्यास है, ये बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। सेकंड है भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल यानी MNDF के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करते हैं और उनकी रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं का लगभग 70% पूरा करता है, और ये भी आपका बिल्कुल सही है। थर्ड आपका है कि 8° चैनल भारतीय यानी मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है, ये भी आपका सही है। 8° चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है, ये भी सही है, यानी आपका फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, और थर्ड कथन भी सही है। तो क्या होगा आंसर, ऑप्शन आपका सी होगा, सभी तीन, यानी सभी तीनों कथन आपका सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन कर आपका निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए एक साइड दिया आपका GI टैग, दूसरी साइड दिया है संबंधित राज्य। देखिए आपका फर्स्ट में है कि आदि के किर, क्या है फर्स्ट में आदि के किर, ये दिया है असम, ये आपका गलत है, आदि के किर जो है ये असम की नहीं है, ध्यान रखिएगा। यह जो है ये आपका यानी अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका अरुणाचल प्रदेश का एक अदरक का किस्म है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का एक अदरक का किस्म है जिसे GI टैग मिला है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट गलत है। थर्ड आपका है कच्ची कारक गुजरात, ये सही है, कच्ची कारक जिसे हाल ही में गुजरात में ये GI टैग मिला है गुजरात को, तालिंग साड़ी पश्चिम बंगाल, ये भी आपका सही है। तो सेकेंड और थर्ड आपका सही है, ठीक है, सेकेंड और थर्ड आपका सही है, फर्स्ट गलत है। तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन बी होगा, केवल टू एंड थ्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन फोर है, क्वेश्चन क्लब का वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है, ये क्या आपका विश्व आर्थिक मंच, ध्यान रखिएगा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका फाइव है, क्वेश्चन कह रहा है भारतीय मूल के किस खिलाड़ी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 33 विश्व शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका जगह ऑप्शन डी कोनेरे हम्पू, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन सिक्स है, क्वेश्चन कर आपका कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र सहयोग के लिए
किन दो देशों के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए किन दो देशों के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? ये दिया आपका भारत और गुयाना के बीच, यानी भारत और गुयाना के बीच हाइड्रोकार्बन सहयोग के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। ऑप्शन आपका ये होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन सेवन है, क्वेश्चन कह रहा है आपका हाल ही में खबर में रहा दृष्टि 10 स्टाइनलाइमर क्या है? दृष्टि 10 स्टाइनलाइमर क्या है? यह आपका है भारतीय नौसेना का स्वदेशी UAV, ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यह एक ड्रोन है, ठीक है, यह एक ड्रोन है और बहुत शक्तिशाली ड्रोन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका एट है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुकन्या समृद्धि योजना के प्रावधानों में सम्मिलित नहीं है? सुकन्या समृद्धि योजना के प्रावधानों में सम्मिलित नहीं है। फर्स्ट है, यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है। फर्स्ट ही आपका गलत है, क्योंकि यह जो है वह वित्त मंत्रालय का पहल है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका गलत है, यह क्या है, यह वित्त मंत्रालय का एक पहल है, तो आपका फर्स्ट गलत है। सेकंड कह रहा है जनवरी मार्च 2024 में तिमाही के लिए ब्याज दर 8% से बढ़ाकर 8.9% कर दी गई है, यहाँ भी गलत है, 8% से बढ़ाकर 8.2% किया है, कितना किया है, 8.2% किया है, तो आपका सेकंड भी क्या है, गलत है, आपका सेकंड भी गलत है, तो फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत है। थर्ड है कि इस योजना का उद्देश्य कन्याओं के लिए लघु निवेश प्रदान करना और इसका उपयोग शिक्षा और शादी के खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता है, ये आपका सही है। फोर्थ है, फोर्थ आपका है कि इसे 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू किया गया था, ये भी आपका सही है, यानी इसमें थर्ड और फोर्थ सही है, बाकी 1 और 2 आपका गलत है, 1 और 2 आपका गलत है। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी कौन सा गलत है, तो फर्स्ट और सेकंड आपका गलत है, तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट एंड सेकंड किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन कह रहा आपका राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 9 जनवरी 2024 को घुड़सवारी के लिए किस महिला खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है? ये क्या, दिव्यकृति सिंह को। ध्यान रखिएगा 41 साल के बाद एशियन गेम्स में यह स्वर्ण पदक दिलाया है भारत को, इसलिए इसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त सैन्य अभ्यास और उनके आयोजन स्थल के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा सही है? आपको मिलान करना है कि एक साइड आपको दिया है सैन्य अभ्यास और दूसरी साइड दिया है इसका स्थल, यानी कहां पर हुआ है, ठीक है, तो इसको आपको मिलान करना है, ठीक है। देखिए तो अयोध्या अभ्यास जो आपका फर्स्ट में अयोध्या अभ्यास, ये आपका हुआ है अंडमान सागर में। अब ये भी ध्यान रखिए कि अयोध्या अभ्यास किनके बीच होता है, तो ये होता है आपका भारत और थाईलैंड के बीच, भारत और थाईलैंड के बीच होता है, ध्यान रखिएगा। सेकंड है डेजर्ट साइक्लोन 2024, तो ये आपका हुआ थार रेगिस्तान में और ये किसके बीच में होता है, तो डेजर्ट साइक्लोन ये आपका होता है, ध्यान रखिएगा, भारत UAE के बीच, हालांकि इस बार इसमें फ्रांस भी शामिल था, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक है, ये ध्यान रखिए डेजर्ट साइक्लोन भारत UAE, इसमें फ्रांस भी आपका आ जाएगा, ठीक है, ये आपका सही है, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है। आगे चले देखते हैं आपका सी में है मिलन 2024, ये आपका हुआ विशाखापट्टनम में और ये भी सही है, और ये भारतीय नौसेना का यह भारतीय नौसेना का बहुउद्देशीय अभ्यास है, ठीक है, मिलन 2024, ये कहाँ हुआ, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ है, ये भी आपका मिलान सही है। फोर्थ आपका डी में है कि 11वां खंजर अभ्यास, खंजर अभ्यास कहाँ हुआ है, ये आपका हुआ है बकलो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, आपका यानी डी का भी सही है। और ये खंजर सैन्य अभ्यास किसके बीच होता है, तो भारत और किर्गिस्तान, खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है, ध्यान रखिएगा, तो आपका ये बिल्कुल सही है, 1, 2, 3, 4 आपका सभी आपका सही सुमेलित है। क्वेश्चन आपका 11 है, क्वेश्चन कर आपका हाल ही में जारी किए गए CREA रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का दूसरे सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो दूसरे सबसे प्रदूषित शहर है आपका बेगूसराय, बिहार के बेगूसराय,
ठीक है, ऑप्शन बी होगा। इसमें पूछा जाए प्रथम यानी सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, ये आपका है मेघालय का बर्नीहाट, ठीक है, प्रथम पर आपका आता है मेघालय के बर्नीहाट, सेकेंड पर आपका है बिहार के बेगूसराय और थर्ड पर है ग्रेटर नोएडा, ठीक है, तो तीनों रैंक ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन आपका कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा किसे फ्रांस का सबसे युवा और पहला समलैंगिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, ये क्या है, ग्रैबियल अटल को, किसको, ग्रैबियल अटल को, और यह फ्रांस का सबसे युवा प्रधानमंत्री है, सबसे युवा प्रधानमंत्री है, और इस कितने आयु है इसका, 34 साल के हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन आपका निम्नलिखित ऐप और जारीकर्ता के संबंध में कौन सा सही सम्मिलित है, एक साइड दिया आपका ऐप, दूसरे साइड दिया जारीकर्ता, कौन जारी किया है, इनक्योर कौन जारी किया है, निर्वाचन आयोग, बिल्कुल सही आपका सम्मिलित है, फर्स्ट तो सही है, संभव ऐप इंडियन आर्मी जारी किया, ये भी सही है, ये आपका देखिए उल्लास ऐप, ये आपका गलत है, ये वस्त्र मंत्रालय नहीं होगा, ये आपका होगा शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, तो उल्लास ऐप आपका होगा शिक्षा मंत्रालय, यानी आपका सी गलत सम्मिलित है, डी है पाठ मित्रों ऐप, ये आपका होगा वस्त्र मंत्रालय, डी भी आपका गलत सम्मिलित है, तो करा क्या सही कोड का चयन कीजिए, तो आपका इसमें कौन सही है, केवल ए और बी सी है, केवल ए एंड बी सी है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ए एंड बी, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 14 है, क्वेश्चन अगर आपका 5 फरवरी 2024 को WTO में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है, तो ये बनाया ध्यान रखेगा सेंथिल पांडियन सी, सेंथिल पांडियन सी को, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 है, क्वेश्चन कर रहा है 16वें वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो हाल ही में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है इसके बारे में कह रहा है कौन सा कथन सही है, देखिए फर्स्ट है कि डॉक्टर अरविंद पगड़िया इसके अध्यक्ष होंगे, बिल्कुल सही है, सेकंड है श्री ऋत्विक रजनम पांडे उसके सचिव होंगे, ये भी सही है, फर्स्ट आपका सही है, सेकेंड भी सही है, चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका है कि 16वां वित्त आयोग अप्रैल 2025 से शुरू होकर 5 साल तक की अवधि के लिए कार्य करेगा, यही आपका गलत है, थर्ड आपका गलत है, क्योंकि 2025 से शुरू नहीं होगा, ये आपका होगा 2026 से शुरू होगा, यानी ये आपका ध्यान रखिएगा अप्रैल 2026 से शुरू होगा, अप्रैल 2026 से शुरू होगा, एक सेकेंड, अप्रैल 2026 से शुरू होगा, और ये आपका अप्रैल 2031 तक इसका कार्यकाल रहेगा, ठीक है, तो आपका थर्ड गलत है, ठीक है, थर्ड आपका गलत है, तो कौन सही है, केवल 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन बी होगा, केवल 1 और 2, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का 16 है, क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यह किया है नसरीन शेख को, नसरीन शेख को हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा यह किस जिला का है, यह आपका है अररिया जिला का, ठीक है, अररिया जिला का है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन कर आपका 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने में संख्या के आधार पर बिहार का कौन सा स्थान है, तो गरीबी रेखा से बाहर निकलने में बिहार का दूसरा स्थान है, और कितने लोगों को बाहर किया है, ध्यान रखिएगा 3.77 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया है, तो ये आपका सेकेंड बात आता है आपका बिहार, फर्स्ट में कौन है, तो ये फर्स्ट में आपका उत्तर प्रदेश है, यानी सबसे अधिक गरीबी रेखा से बाहर करने वाला राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में कितना किया है, ध्यान रखिएगा 5.94 करोड़, और थर्ड पर आपका MP हो जाएगा, ठीक है, थर्ड पर MP हो जाएगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, खासकर आप बिहार को ध्यान रखिएगा कितने लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया है, तो 3.77 करोड़, ध्यान रखिएगा 3.77 करोड़, और इसका रैंक क्या है, सेकेंड रैंक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 18 है, क्वेश्चन कर आपका निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का पहला घड़ियाल और कछुआ के लिए प्रजनन केंद्र बनाने की घोषणा की है, तो ये क्या आपका पश्चिमी चंपारण में कहाँ पर, तो बेतिया में, पश्चिमी चंपारण के बेतिया में इसका घोषणा किया है, और ध्यान रखिए कहाँ किस नदी में, तो गंडक नदी, बेतिया में गंडक नदी में, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 19 है, क्वेश्चन आपका हाल ही में
हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 के अनुसार जारी किया गया है। इसमें 100,000 से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना का ऑल इंडिया रैंक क्या है, तो पटना का रैंक है 77वां, ऑप्शन बी होगा 77। क्वेश्चन 20 है, क्वेश्चन कर आपका राज्य के किस जिले में गौतम बुद्ध के महान शिष्य भिक्षु धम्म छाया की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, यह का आपका बना है कहा आड़ा में, भोजपुर, ऑप्शन सी होगा, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 21 है, क्वेश्चन कर आपका हाल ही में जारी किए गए बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 आंकड़े के अनुसार अन्य पिछड़े वर्ग तथा अत्यंत पिछड़े वर्ग को मिलाकर राज्य की कुल आबादी का कितना परसेंट है, तो ये आपका लगभग 63%, ऑप्शन बी होगा, ये परसेंटेज आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 22 है, क्वेश्चन कह रहा है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ विजडम जेपी गंगा पथ के किनारे स्थापित किया जाएगा, यह निम्न में से किसकी प्रतिमा होगी, यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का प्रतिमा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन 23 है, क्वेश्चन कह रहा है बिहार इलेक्ट्रिक वाहन कन्क्लेव और एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया, ये किया गया आपका पटना में, ठीक है, तो क्या होगा आंसर, ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 22 है, क्वेश्चन कर आपका हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय लिया है, देखिए ये आपका है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के साथ साथ 5 और देशों को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए निमंत्रण मिला था, लेकिन अर्जेंटीना ने इसे ठुकरा दिया है। और आपको क्वेश्चन कराए भी थे कि हाल ही में ब्रिक्स का 5 नया सदस्य कौन बना है, ठीक है, और इसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ब्रिक्स का नया 5 सदस्य कौन कौन सा बना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 है, क्वेश्चन कर आपका डायरेक्ट टू मोबाइल यानी D2M तकनीक हाल ही में समाचारों में देखी गई है, करें इन संबंध में इनसे कौन सा कथन सही है, यह क्या, यह एक मल्टीमीडिया सामग्री को बिना इंटरनेट कनेक्शन के सीधे मोबाइल उपकरणों पर स्ट्रीम करता है, यानी यह एक ऐसा तकनीक है जिसमें बिना इंटरनेट को आप यानी कोई भी मल्टीमीडिया यूज कर सकते, जैसे आपका फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, कोई भी चीज़ यूज कर सकते बिना नेट का, यह एक ऐसा तकनीक का खोज किया गया है, ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 26 है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड आमतौर पर L1 लॉरेंज बिंदु से जुड़ा है, आप लोग पढ़ेंगे हाल ही में आदित्य L1 को सूर्य अध्ययन के लिए भेजा गया है, आदित्य L1 को, तो वही कर आपका कि इसमें L1 क्या है, L1 किससे जुड़ा है, तो ये L1 पॉइंट है, ये आपका सूर्य और पृथ्वी से जुड़ा है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 27 है, क्वेश्चन कर आपका एक्सरे प्लोरीमीटर सेटेलाइट यानी एक्सपोसैट के संबंध में करें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, एक्सपोसैट के बारे में करें कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट आपका दिया है कि 1 फरवरी 2024 को इसरो ने इसे पहले एक्सरे प्लोरीमीटर सेटेलाइट यानी एक्सपोसैट मिशन का सफल परीक्षण किया है, ये आपका गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि देखिए यह 1 फरवरी को नहीं 1 जनवरी को किया था, ठीक है, तो यहाँ पर आपका डेट के लिए कारण सबका ये गलत है, तो ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 2024 को इसरो ने एक्सपोसैट मिशन को परीक्षण किया है, तो आपका फर्स्ट गलत है। सेकंड है यह PSLV C-58 द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आपका सही है, तो फर्स्ट कथन आपका गलत है, सेकंड आपका सही है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि असत्य कथन का चयन कीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, असत्य कथन का चयन कीजिए यानी कर रहा है गलत कथन आपको बताना है कौन सा गलत कथन है, तो देखिए सेकंड आपका सही है, फर्स्ट गलत है, तो कौन सा गलत है, फर्स्ट गलत है, तो ऑप्शन ए होगा केवल 1। क्वेश्चन 28 है, क्वेश्चन कर आपका यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में करा कौन सा कथन असत्य है, अब यहाँ भी देखिए क्या करा है, कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है, इस बात को ध्यान दीजिए एग्जाम में, ठीक है, करा यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के संबंध में करा कौन सा कथन गलत है, असत्य है यानी गलत है, फर्स्ट है कि इसकी अध्यक्षता भारत के नई दिल्ली में किया जाएगा, बिल्कुल सही है, सेकंड है भारत दूसरी बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा, यही गलत है, दूसरी बार नहीं यह पहली बार कर रहा है, ठीक है, भारत यह इसका अध्यक्षता पहली बार करेगा, ठीक है, इसलिए आपका सेकेंड गलत है, क्योंकि इसमें कह रहा है दूसरी बार, तो आपका सेकेंड कथन गलत है, फर्स्ट आपका सही है, सेकेंड
गलत है। अगर कौन सा कथन असत है यानी गलत है, तो ऑप्शन आपका बी गलत है, ऑप्शन बी होगा। बाकी ऑप्शन देख लीजिए, यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति का हर सत्र हर वर्ष आयोजित किया जाता है, बिल्कुल सही है। किसी देश का स्थल या संपत्ति के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाता है, यह भी सही है। तो आपका केवल बी गलत है, ध्यान रखिएगा, भारत पहली बार इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29 है, क्वेश्चन कह रहा है भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट आपका है कि BNS की धारा 106 के 2 के तहत हिट एंड रन मामले में अधिकतम 10 साल की सजा और 7 लाख की जुर्माना का प्रावधान करती है, यह आपका बिल्कुल सही है। सेकंड है कि धारा 106(2) को एक जमानती प्रावधान के रूप में जाना जाता है जो जमानत की संभावना की अनुमति देता है, ये आपका गलत है। तो कह रहा कौन सा कथन सही है, तो केवल आपका फर्स्ट कथन सही है, ऑप्शन आपका ए होगा, केवल 1 सही है। क्वेश्चन आपका 30 है, क्वेश्चन कर आपका जनवरी 2024 के खबरों में रहे उष्णकटिबंधीय चक्रवात अलवारो किस क्षेत्र से संबंधित है, अलवारो किस क्षेत्र से संबंधित है, ये है मेडागास्कर के संबंधित, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि जनवरी 2024 में खबरों में रहे उष्णकटिबंधीय चक्रवात अलवारो किस क्षेत्र से संबंधित है, ये है आपका मेडागास्कर से संबंधित, यह चक्रवात कहाँ आया था, मेडागास्कर में आया था, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो ये था आपका 30 प्रश्न जो आपके 2024 से संबंधित आपका महत्वपूर्ण करेंट प्रकार प्रश्न था। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।